की झारखंड जो बना, और इस बीच में यहाँ के लोगों के बीच बहुत सी योजनाएं इस क्षेत्र के लोगों को, पूरे प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता को किस तरह से लाभ मिलेगा, किस तरह से आय वृद्धि के लिए वो अपना कार्यक्रम करेंगे, इस सोच के आधार पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सी योजना का शिलान्यास या बहुत सी योजना का इस क्षेत्र में उतारने का काम किए। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी ने पूरे राज्य के अंतर्गत में घूम घूम करके यहाँ के लोगों को आय वृद्धि से लेके और जितना भी यहाँ के लोग आगे बढ़ सकें, इस संदर्भ में उन्होंने पूरे जगह, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य के अंदर में घूम घूम करके लोगों को बतलाने और साथ साथ उसको परिसंपत्ति देने का भी काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाए, और जैसे कि हम साधारण बात बोल रहे हैं कि जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन पहले 60 बरस से ऊपर के लोगों को मिलता था, और उसी को जब सोचा गया और माननीय मुख्यमंत्री ने सोचे कि नहीं, यहाँ का जो आयु सीमा है, यहाँ के आयु की सीमा के आधार पर सब लोग ये 1000 रुपया देने का काम सरकार ने घोषणा किया और प्रारंभ भी कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये झारखंड क्षेत्र जो यहाँ बहुत से लोगों को आर्थिक कठिनाई बहुत तरह की होती है, और उस संदर्भ में पूरे राज्य के अंतर्गत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भिन्न भिन्न तरह का काम, भिन्न भिन्न तरह का योजना धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर। तो मेरा कहना है कि आप सभी देखे होंगे कि यहाँ जो है, यहाँ के लोग जो शराब बेचते थे उसके लिए योजना सरकार ने बनाया, और उस सरकार था फूलों झानो समृद्धि योजना, योजना जिससे लोग को लोन कम दर पर लोन मिलेगा, और जो ग्रुप होगा ग्रुप के साथ उन लोग को जोड़ करके उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, और उस आर्थिक सहायता के आधार पर यहाँ का पूरा काम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो विदेश में पढ़ने जाएंगे उसके लिए व्यवस्था, आगे जो आगे उच्च स्तर का जो पढ़ाई करेंगे उसके लिए व्यवस्था, सब इस सरकार ने किया है। तो आपसे यही कहेंगे कि आज हम लोग ये दुमका जिला का सबसे बढ़िया जो माननीय पथ निर्माण विभाग मंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया और शिलान्यास भी, इसी तरह से जो ये रोड बना है, जो आपका रिंग रोड बना, उस रोड पर कितना सुंदर ढंग से फोर लेन रोड बना, और उसी तहत में आज शिलान्यास हुआ एक नया रोड का, जो कि रामपुर से आपका बाईपास होते हुए इस रोड बने उद्योग बनेगा, और जितना भी जल्दी हो सके उस रोड बनेगा, और रोड बनने के बाद वो भी गुणवत्ता स्तर से रोड बनेगा। मेरा कहना है, और विशेषकर अभी जो मौसम है, मौसम अभी तक जिले में बारिश कम हुआ है, बारिश कम होने के चलते यहाँ के पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गया है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा उपायुक्त महोदय से कि जो जो गांव अभी पानी का किल्लत कर चलते लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है अपना भोजन के लिए, स्नान करने के लिए,
तो वैसे जगह को चिन्हित करके जितना भी जल्दी हो सके उस पर वहाँ उसको इस तरह का आप योजना जल्दी चालू करें ऐसा काम। और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आज मेगा प्लान मेगा जल योजना बन रहा है वो होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि जो बहुत सा ढेर है चिंतित हो गया बालू आ गया है उस बालू उसको सफाई करते हुए जो कि मसान जोड़ से बड़ी नदी बड़ा नदी से बिगल पहाड़ी से गैराबनी डैम से जो सिंचाई हो सकता है उसको अच्छे। श्री बसंत सोरेन माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग, श्री नलिन सोरेन माननीय सांसद दुमका लोकसभा क्षेत्र, श्रीमती जोयेश बेसरा जी माननीय अध्यक्षा जिला परिषद दुमका, श्री लालचंद डाडेल सर प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना प्रमंडल प्रक्षेत्र, सभी मान